तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो मेरे पास आज है हीरो की स्प्लेंडर प्लस BS6 FI और मैं इस बाइक का आज आप लोगों को बताऊंगा जो हमारे पीछे के शॉकर होते हैं उसे एडजस्ट कैसे किया जाता है, यही मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। जो इस बाइक के पीछे के शॉकर है, जैसे कि ये हमारा पीछे वाला शॉकर है, इसे एडजस्ट कैसे किया जाता है, एडजस्ट खुद आप लोग कर सकते हो। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से करना है। तो इसको करने के लिए हमको सिंपल सा ये वाला पाना लगेगा जो ज्यादातर बाइक में होता ही है, कंपनी देती है ये पाना। तो चलो इसको मैं एडजस्ट करके आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊँ, एग्जांपल देता हूं कि आप लोग सिंगल पे जो है वो बाइक पीछे नहीं दबती है और जब डबल पे बैठते हैं तो बाइक दब जाती है। तो यहां से हम शॉकर को ऊपर कर लेंगे कुछ इस तरीके से, तो हमारी बाइक जो है वो पीछे से ऊपर हो जाएगी। तो कोई इस तरीके से लगाना है और इसको इस तरीके से खींचना है। ये देखो, ये खाँचा एक हमने बढ़ा दिया, इस तरीके से बढ़ा लेना। यहाँ पे दूसरा बढ़ा लिया, ये देखो यहाँ पे हम तीसरा बढ़ा लेते हैं, ये देखो। तो कुछ इस तरीके से हमारे शॉकर ऊपर नीचे हम खुद कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी करके दिखाया। तो इसको हम देखो इस तरीके से लगाते हैं और इस तरीके से घुमा देना है। जितना ऊपर आप लोगों को करना है उतना ऊपर आप लोग कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 से 2 पे कर दिया, बाकी 3 जो है ये देखो 1 2 2 बचे हुए हैं और 2 हमने चढ़ा दिया है। तो इस साइड का हमने 2 1 ऊपर किया है। तो अभी क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से जाएंगे उस साइड में और उस साइड में 1 ऊपर कर देंगे। और यहाँ पे खाँचा आप लोगों को दिख रहा हो, ये देखो ये इस तरीके से, अगर आप इस तरीके से, ये देखो ये 1 2 पे लगा हुआ, हमको इसको 3 3 पे लेके जाना है। तो 3 पे ले जाने के लिए यहाँ पे पाना फंसा के इसको क्या करेंगे, हम पीछे की तरफ खींचेंगे, मतलब जिधर हमको दिखेगा। ये देखो यहाँ पे उड़ गया, ऊपर चला गया, 3 पे आ गया। इसकी जो स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग अभी हो गई है टाइट। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को इसका जो शॉकर है BS6 बाइक का, उसको आप लोग ऊपर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने 3 पे इसको कर दिया, बाकी 2 बचे हुए हैं, इसमें 2 बाद में कर देंगे, 1 1 हमने उठा दिया है। तो अभी इस साइड में आ जाते हैं। तो अभी आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना है, जितना इस साइड का शॉकर उठा रहे हो सेम उसी तरीके से उस साइड का भी उठा देना, जितना इधर का हमने ऊपर किया उस साइड का भी उतना ही ऊपर करना है। और यहाँ पे हमने शॉकर को एडजस्ट कर दिया है, ये देखो 3 पे ले आया, इस साइड में भी 3 है, उस साइड में भी 3 पे कर दिया। तो यही पाना हमको लगता है, अगर इस तरीके से हम इसको लगा के इधर ठेलेंगे, इधर को करेंगे, तो हमारा ये नीचे चला जाएगा। ये देखो 2 पे आ गया, जैसे पहले था वैसे हो गए। और अगर हम इस साइड में करेंगे तो इस साइड में हमारा जो तीसरे पे चला जाएगा, बैठ जाएगा। तो मैं इसको 3 पे कर देता हूँ, क्योंकि हमने उस साइड का भी 3 किया था और इस साइड का भी 3 कर देते हैं। बाकी अब जो क्या होगा कि आप 2 लोग बैठोगे तो पीछे से बाइक दबेगी नहीं, जैसे कि पीछे 2 लोग बैठ जाते हैं बाइक ज़्यादा दब जाती है नीचे। तो यहाँ से आप इसकी स्प्रिंग जो शॉकर की होती है, ये वाली स्प्रिंग, इसको ऊपर कर सकते हो, इससे हार्ड कर सकते हो। हार्ड करने के बाद अगर आप लोग 2 3 लोग बैठ रहे हो तो आपकी जो पीछे जो बाइक दब जाती है वो नहीं दबेगी। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को शॉकर को एडजस्ट कर लेना है, जैसे मैंने आप लोगों को करके दिखाया है। बाकी ये पाना है, इसी पाने से हम करते हैं। बाकी अगर आप लोगों के पास प्लास है, जैसे कि केकड़ा वाला प्लास आता है, कौवा वाला प्लास, तो उससे भी आप लोग कर सकते हो, प्लास से भी हो जाता है, बट इसका पाना आता है। तो पाने से ही हमने इसको किया है। बाकी अब जो पीछे से हमारी बाइक की हाइट बढ़ गई है, हाइट जो कम थी वो ऊपर हो जाएगी, जैसे ही हम पीछे के शॉकर की स्प्रिंग टाइट करेंगे, जो हमारी हाइट है पीछे से वो बाइक की बढ़ जाती है। तो कुछ इसी तरीके से आप लोगों को कर लेना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को करके दिखाया। अगर आप लोग 2 3 लोग बैठते हो और पीछे से बाइक ज़्यादा दब जाती है और पिकअप भी उतनी टाइम भागती भी कम है बाइक, जब पीछे से बाइक दबेगी तो बाइक कम भागेगी। तो हम शॉकर को अगर हम ऊपर उठा लेंगे तो हमारी बाइक जो पिकअप जो रहता है वो बढ़ जाता है, वो ज़्यादा बाइक भी ज़्यादा भागने लगती है। तो कुछ इसी तरीके से आप लोगों को शॉकर एडजस्ट कर लेना। बाकी ये वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।